हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ HSSC स्टाफ नर्स के एग्जाम हो चुके हैं तो उनका रिजल्ट कब तक आउट हो सकता है। उसी के साथ गाइस कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या हो सकती है। तो कम्प्लीट वीडियो देखते रहिएगा, इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जानकारी मिल जाएगी। गाइस, आपकी जो एग्जाम हुई है HSSC स्टाफ नर्स की, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं आप, जहां पर कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है HSSC स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। और उसी के साथ HSSC MPHW के लिए भी हमने एक वीडियो कट ऑफ के ऊपर बनाया हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कंप्लीट एनालिसिस हमने उसमें आपको बता दिया है। उसी के साथ गाइस, आपका रिजल्ट जब भी आउट हो जाएगा तो रिजल्ट आउट होने के ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते बाद जो DV लिस्ट है वो भी जारी हो जाएगी। और DV लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे या फिर रिजल्ट के बाद जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा, तो उन सभी कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया जाएगा। DV यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जितने डॉक्यूमेंट्स बताए गए होते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से बना ले, जितने भी कैंडिडेट्स को लगता है कि उनका पेपर अच्छा गया था या फिर उन्हें लगता है कि एक्यूरेसी अच्छी थी जिसकी वजह का सिलेक्शन हो सकता है, तो उन सभी कैंडिडेट्स को अभी से अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनाकर रखने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अभी से बना लेने हैं, तो उसके बारे में भी कम्प्लीट एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। स्टाफ नर्स का रिजल्ट आने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आपने चैनल पर भी सर्च किया तो आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो गाइज, आपको कंप्लीट जो जानकारी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, DV के बारे में, वो मिल गई होगी। और उसी के साथ नेक्स्ट जो है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो गाइज, आपके अभी एग्जाम होने के बाद बहुत सारे दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं आया है कि कब तक आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। लेकिन गाइज, हम एक्सपेक्टेड डेट्स आपको बता सकते हैं, जो कि होने वाला है अगस्त के लास्ट वीक तक या फिर सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक आपका जो रिजल्ट है HSSC स्टाफ नर्स के लिए वो आउट होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। क्योंकि गाइस, सभी कैंडिडेट्स के अभी एग्जाम हो चुके, बहुत दिन भी हो चुके हैं आपके एग्जाम होने के बाद, लेकिन अभी भी कुछ भी अपडेट नहीं है। लेकिन अब हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है वो जल्द ही जारी कर दिया जाए आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जब भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी अपडेट आता है आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, या फिर जो भी अपडेट आएगा वो हम हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले बता देंगे, सबसे पहले नोटिफाई कर देंगे। इसलिए आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सभी जो अपडेट्स है वो आपको सबसे पहले हम हमारे चैनल पर आपको दे देंगे। तो गाइज, आई होप कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता चल गया होगा कि आपका रिजल्ट जो है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट्स क्या है, कि कब तक आपका रिजल्ट आउट हो सकता है, यह हमने आप इस वीडियो में कंप्लीट आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल।